सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके सामने टॉप 50 एंटोनिम्स। देखिए, ये दो पार्ट्स में आने वाला है, पार्ट 150, पार्ट 250, ठीक है। और अभी आने वाला है इसके बाद सिनोनिम्स भी। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिर दोबारा एंटोनिम, फिर दोबारा सिनोनिम्स, इन सेंस चार वीडियो आने वाले हैं इसके ऊपर। पार्ट 50 उसके आने वाले हैं वर्ड्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में आने वाले हैं आपका एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, मेरा नाम राहुल द्विवेदी, मुझे आप लोग मुझे इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एम ए बी एड बी ए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, और बस यही है। इसके अलावा मुझे 5 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं एक टीचर भी हूँ, टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए नहीं, लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहला वर्ड, इट इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब होता है, भैया थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, परफेक्ट। हॉस्टाइल मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, किसी पे बहुत ज़्यादा आप झगड़ा करते हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा एमीएबल, इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्यारा। एमी मीन्स लवली, याद रखना, ठीक है, फ्रेंडली, सिंपैथिक, ठीक है, जेंटल। तो हॉस्टाइल, नफरत, गुस्सा, ये सब चीज़ें, इसका अपोजिट क्या होगा? प्यार। नेक्स्ट, एरोगेंट। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एरोगेंट होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। एरोगेंट अगर आप हैं तो उसी का अपोजिट क्या होगा? मोडेस्ट होगा। हम्बल विनर्म होगा, ह्यूमिलिटी विनर्म होगा। तीनों का मतलब एक तरीके से विनर्म ही होता है, मॉडेस्ट मतलब भी विनर्म ही होता है, ठीक है, घमंडी और विनर्म। नेक्स्ट, एडमेंट। एडमेंट मतलब क्या होता है? एडमेंट इन द सेंस जो चीज बहुत ज्यादा अटल हो, अटल, ठीक है, जो हिले ना। इसको एक और चीज बोलते हैं, दैट इज इन इलास्टिक या इनफ्लेक्सिबल। इसी के अरे येल्डिंग, ग्लिबल, इन द सेंस लचीला, और फ्लेक्सिबल मतलब भी लचीला, ठीक है जी। नेक्स्ट, एगोनी। अब एगोनी मीन्स, ठीक है, ये देखो बहुत इसको बोलते हैं, समझ लो जो बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है दुख में हो, उसे बोलते हैं। इसी का अपोजिट प्लेजर, शांत रहना, ठीक है। दिस इकेस्टी, ठीक है, ई एक्स एक्सटीसी, क्या पढ़ोगे आप इसे? एक्सटीसी, एक्स पढ़ा जाता है इसको। तो एक्सटीसी मतलब भी वही होता है, कठोर, सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा विनर बनाने वाला, या बहुत ज़्यादा प्लीजर, आनंद लेने वाला, ठीक है। डिलाइट मतलब भी होता है कंफर्ट, इन द सेंस आरामदायक होता है, ठीक है। तो कष्टदायी और आरामदायी, इकैस्टी। नेक्स्ट, स्टिंगी मीन्स भैया वो इंसान जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता हो। कौन है ये कंजूस? और जेनेरियस इन द सेंस फिजूल, खर्चीला, और एक्स्ट्रा वैगन मतलब भी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। वैगन इन द सेंस खर्च, एक्स्ट्रा वेगनेशन ज्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट, वैनिटी। ओके, तो वैनिटी मतलब आपने वैनिटी वैन भी देखा होगा। वैनिटी मतलब बेसिकली घमंडी होता है एक तरीके से, ठीक है। तो अपना प्राउड फील करना, उसको वैनिटी, ठीक है। इसी का अपोजिट ह्यूमिलिटी और मॉडेस्ट होता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था सेम बॉडी। नेक्स्ट, एक्विट। एक्विट इन द सेंस किसी को बड़ी करना, किसी को बड़ी करने को बोलते हैं एक्विट। और उसी का अपोजिट कंडेम, कन्विक्ट और ब्लेम। इन सब का मतलब क्या होता है? दोषी। इन सब का मतलब होता है दोषी, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट, एफर्म इन द सेंस भैया किसी को हाँ भर देना, हामी भरना, हाँ या यस में आंसर देना। इसी का अपोजिट रिफ्यूज, डिसएग्री या डैनियल। इन सब का मतलब क्या होता है? मना करना। कॉमन है जी, बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हैं भैया, देखो बहुत जल्दी लिख कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं, कोई भी इतना ऐसा नहीं है जो तुम्हें लगे कि क्या थोड़ा सा जो है अनक्लियर है। तो अनक्लियर से एक वर्ड आया क्या? इट इज एम्बिगियस, इन द सेंस अनक्लियर, अनक्लियर जो अस्पष्ट हो, प्रिसाइज और क्लियर इन सेंस जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ सुथरी, और वो साफ सुथरी ना होना। नेक्स्ट भैया, एरिड मींस सूखा, बंजर, सूखा या बंजर। और इसी का अपोजिट वेट मतलब गीला, फर्टाइल मतलब भी जो बिल्कुल उपजाऊ जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। फ्रीडम का मतलब क्या है? कि आप आजाद हो, जो करना, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ऑटोनॉमी इन द सेंस आप आजाद तो हो, लेकिन एक दायरे में हो, आप अपने लिए आजाद हो, किसी और के लिए आजाद नहीं हो। आप अपने साथ कुछ भी कर सकते हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। लेकिन आप देश के साथ कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं। फ्रीडम क्या होता है? जब आप कुछ भी, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऑटोनॉमी इन द सेंस स्वराज्य, खुद का राज्य। तो जब आप खुद के मालिक हो, उसी का अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंसी। जब आप किसी और के मालिक हो, किसी और पर आप डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट, कैलोस इन द सेंस कठोर, कैलोस इन द सेंस कठोर। इसी का पॉजिट सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा नाजुक जो होता है, सिंपैथिक, और कंसर्न मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, ठीक है जी, दिल्ली, जो दिल से सोचता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, डॉर्मेंट इन द सेंस इनएक्टिव, याद रखना, डॉर्मेंट इन द सेंस इनएक्टिव। उसी का पॉजिट एक्टिव, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट,
फ्लेक्सिबल अभी हमने पढ़ा था भैया, क्या होता है जो बहुत ज्यादा लचीला हो। आंखों में कुछ चला गया मेरे, बताओ लाइव में आंखों में कुछ चला गया, लाइव वैसे तो नहीं हूं लेकिन हाँ फिर भी थैंक्स। हाँ, फ्लेक्सिबल जो बहुत ज्यादा लचीला हो, रेज और स्टिफ इन द सेंस बहुत ज्यादा कठोर होना। अभी हमने कैलस भी वही पढ़ा था, कठोर होना। नेक्स्ट, इंक्विसिटिव इन द सेंस बहुत ज्यादा जो है सो कॉल्ड एक तरीके से मतलब जो मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंसान जो है जिसकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो ये इंसान ऐसा इंसान है जिसकी बात आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है, या ये कहा जाए थोड़ा सा जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंक, उन सबको बोलते हैं। उसी के अपोजिट इंडिफरेंट, अनकंसर्न और इग्नोर, ठीक है, इन द सेंस ये सब चीजें क्या है जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हो लेकिन आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। प्रोफंड, प्रोफंड इन द सेंस कि भैया वो चीज जो बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से ईजी हो, ईजी, अब देखो ईजी का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जो प्यारा सा हो, ठीक है, और अच्छा हो, ईजी इन द सेंस जो ज्यादा लोगों को घमंड ना फील कराए, जो ज्यादा लोगों को जो है बहुत ज्यादा एरोगेंट ना लगे, ठीक है। अब इसी का आगे, इसी का अपोजिट क्या होता है, जैसे सुपरफिशियल या इग्नोरेंट। अब सुपरफिशियल और इग्नोरेंट मतलब क्या, महिमा महिमा इसकी हिंदी दिखाइए जल्दी से, मुझे क्या है प्रोफंड, अब एडिट करो मुझे वो, सुन मुझे वो हिंदी खोल के दे दे। उल्टा अज्ञानी है। मुझे देख लेते, मैं खोल के बैठ जाता हूँ। क्या ये एंटोनिम है ना, गहन, गहन नेक्स्ट प्रोफंड। अब देखो प्रोफंड मतलब क्या होता है, प्रोफंड इन द सेंस गहन। अब गहन मतलब, गहन इन द सेंस जिसको आप बहुत डीप में सोचते हो, ठीक है, गहन विचार करना, ठीक है। उसी का अपोजिट सुपरफिशियल इग्नोरेंट इन द सेंस जिसको आप अज्ञानी समझ लेते हो, इग्नोर करते हो, जिसको आप बहुत डिटेल में जो है स्टडी नहीं करते हो, ठीक है। प्रोफंड इन द सेंस गहन, डीप स्टडी, और सुपरफिशियल इन द सेंस ऊपर ऊपर से, या इग्नोरेंट इन द सेंस बिल्कुल अज्ञान तरीके से आप वो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रैपिड, हो रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग, बहुत तेज, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट रेलुकेंट, ओके, अब रेलुकेंट मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइक ऐसे वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक बार सोच लो जल्दी से, यहां इसी का अपोजिट बन रहा है एगर और विलिंग, एगर और विलिंग इसी का अपोजिट बन रहा है, क्या बना। अब एगर और विलिंग का मतलब क्या होता है, एगर और विलिंग का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, इच्छुक, लेकिन रेलुकर मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, अइच्छुक, अइच्छुक इन द सेंस अनविलिंगनेस, जिसको देख के मतलब जिसकी इच्छा ना हो, जिसकी इच्छा ना हो उसे बोलते हैं रेलुकेंट, ठीक है, जिसकी इच्छा ना हो, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट रिपल्सिव, ओके, जो बहुत ज्यादा जो है जिसको देख के अच्छा ना लगता हो, अप्रिय, इसे हिंदी में बोलते हैं अप्रिय, और उसी का अपोजिट अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, ठीक है, प्रिय, अच्छा लगने वाला। नेक्स्ट शेलो, ओके, अब ये प्यारा वर्ड है, अब इसका देखो अपोजिट क्या बना, अपोजिट बना इसका डीप, अब डीप का मतलब गहरा, गहरा होता है, लेकिन शेलो का मतलब क्या हुआ, अगर डीप का मतलब गहरा तो शेलो का मतलब क्या हुआ, ये आपको देखना है, बहुत प्यारा है। डीप ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गहराई की, तो शेलो हम किसकी बात कर रहे हैं, शेलो का मतलब होता है उठा हुआ, क्या होता है शेलो का मतलब, उठा हुआ, इज दैट क्लियर, परफेक्ट, ऑफ पावर सेविंग मोड, वो बेसिकली मैं अपने आईफोन को बोल रहा था कि पावर सेविंग मोड को ऑफ करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टर, स्टेशनरी इन द सेंस स्तर, स्थिर, मतलब जो भी है जो नॉन मूवेबल हो, ठीक है, उसी का अपोजिट मूविंग, स्टिफिंग या अनस्टेडी। नेक्स्ट वर्च्यू, अब देखो वर्च्यू मतलब समझदार गुण, जिसके अंदर गुण होता है, और आपको जान के पता नहीं कैसा लगेगा, वाइस मतलब क्या होता है, बेकार, जी हाँ, वाइस का मतलब बेकार भी होता है, याद रखना, ठीक है जी, वाइस का मतलब बेकार भी होता है। नेक्स्ट
एम्पल पार्किंग स्पेस, क्या सर? एम्पल मतलब क्या? बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, इस कॉल्ड एम्पल। और यहां पे एक वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मीगर। क्या प्रोनाउंसिएशन होती है? मीगर। अब मीगर मतलब क्या होता है? खाली, ठीक है, तो मीगर उसे बोलते हैं जब कुछ बहुत ज्यादा खाली हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फिल ना हो, नॉट सो फिल। नेक्स्ट, अपॉल इन द सेंस, भैया किसी चीज को जो है आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो उसकी तारीफ में जो आप यूज करते हो, तारीफ करूं मैं उसकी, ठीक है। डिनाउंस वही चीज, उसको डिफेम करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको सेंसर करना, इन द सेंस उसको बदनाम करना, ठीक है जी, क्लियर था। आगे बढ़ते हैं बाल को। अट्रैक्ट, आपको सिंपल बताया भैया, जैसे आप लोग मेरे लिए अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्ट पता है, रिपल इन द सेंस किस चीज से दूर भागना, अट्रैक्टिव इन द सेंस आकर्षक, और रिपल इन द सेंस किस चीज से दूर भागना, सिंपल सर ये। नेक्स्ट अट्रैक्ट है ना, कंपलसरी भैया, कंपलसरी है पढ़ना, पढ़ोगे तभी तो एंट्रेंस को क्रैक करोगे, तो कंपलसरी है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, दैट इज नॉट कंपलसरी, सो कॉल्ड, तभी तो ऑप्शनल है। नेक्स्ट कॉन्कर, इन द सेंस कॉन्कर का मतलब होता है भैया सहमत होना, बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज सहमत होना, और डिसएग्री ऑब्वियस सी बात है असहमत होना, सहमत होना और असहमत होना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट भाई कंट्रोवर्शियल, आप सभी लोगों को सुना है भैया कंट्रोवर्सी हो गए यार, पंगे हो गए, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस भैया जब लड़ाइयां हो रहा है, जब पंगे हो जाए, अनडिस्प्यूट लड़ाई को ठीक करना, इनडिस्प्यूटेबल या एग्रीमेंट इन द सेंस साथ देना, ठीक है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस जब किसी के खिलाफ हो जाओ आप। आगे डेंस, अब देखो डेंसिटी भी आपने पढ़ा होगा, डेंस का मतलब होता है सघन, सघन इन द सेंस जो चीज बहुत ज्यादा शुक्र ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड यही कहा जाए जिसमें सब लोग मिले हुए हैं। स्पेस इन द सेंस अलग अलग, अलग अलग, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। डिटेस्ट इन द सेंस, अब ये डिटेस्ट, इसी का पॉजिटिव लाइक और एडोर बना है। अब डिटेस्ट क्या हुआ फिर, अगर इसके पॉजिटिव डिटेस्ट क्या हुआ, डिटेस्ट इन द सेंस घृणा करना, जब आप किससे नफरत करते हो ना उसे बोलते हैं डिटेस्ट, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा आप इस वर्ड को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं बाल को। नेक्स्ट डिस्टेंट, ऑब्वियस बात है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दूरी, बहुत बार यूज कर रखा है आपने वर्ड, सेम वर्ड आपने बहुत बार यूज कर रखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर माय फोन, फोन गिर गया था मेरा। नेक्स्ट डिवल्ज मींस, अब ये प्यारा वर्ड है, इवन आपने ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा सुना भी होगा, इसका मतलब होता है अनहाइड। क्या मतलब होता है? अनहाइड या जो चीज जो छुपी हुई ना होती हो, ठीक है, कंसील और हाइड इन द सेंस छुपा हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट एविडेंट, ओहो बहुत प्यारा वर्ड है, एविडेंट सेंस जो चीज आपके सामने हो, प्रत्यक्ष, इससे एक चीज बनी है एविडेंस, एविडेंस भी इससे बना, एविडेंट से प्रत्यक्ष जो सामने हो। एक्सपेंड मैंने बढ़ाना, कॉन्स्ट्रैक्ट सेंस कम होना, स्ट्रिंग मतलब भी कम होना होता है, ठीक है। अब ये टेस्क पढ़ते हैं, टी ई एस के, दैट इज ग्रोटेस्क, इसका मतलब क्या होता है, वही चीज गंदा, गंदा दिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, ग्रोटेस्क। इसका अपोजिट अट्रैक्टिव, नेचुरल और प्लेन, ठीक है, इन द सेंस अच्छा दिखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट इम्यूक्लेट, इन द सेंस भैया जो चीज बहुत ज्यादा साफ हो, साफ सुथरा, उसी का पॉजिटिव फ्लिटी, मेसी और फ्यूल, इन द सेंस गंदा, तीनों का मतलब इसी होता है गंदा। नेक्स्ट इन दैट इज इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के कई बार जो है आप कोई चीज कर देते हो उसे बोलते हैं इंटेंशनल वे में हो गया भैया, हमने जानबूझ के नहीं किया। एक्सीडेंटल, आपको पता है भैया एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, मतलब अपने आप जाना। मिस्ट्रेबल, दयनीय अवस्था, उसी के अपोजिट हैप्पी, चीयरफुल और जॉयफुल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा अवस्था। ओपैक, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैक क पढ़ेंगे। ओपैक इन द सेंस जो चीज अन ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट पास ना हो पाए, इसी के अपोजिट ट्रांसपेरेंट होता है और क्लियर होता है, ठीक है जी, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। नेक्स्ट ओवर्ट, हमने पहले ही पढ़ा था, जो क्या हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, सामने हो, उसी के अपोजिट हिडन और कंसील, ठीक है, ओवर्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट रिवेल, ओके, जब आप कोई चीज रिवील कर देते हो, स्पिल द बीन्स रिवेल्स, ठीक है, इन द सेंस अपनी बात को रिवील कर देना, स्पिल द बीन्स एक एडियम था इसको रिवील करने को, कंसील ऑब्वियसली बात है छुपा के रखना। स्पेस अभी हमने बताया था, अब ये क्या चीज है, ये चीज वही सामने प्रकट लाना, चीजें दिखाना, ठीक है, उसी का अपोजिट क्या हुआ, हाइड, एविडेंट और डेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट स्क्वैंडर, स्क्वैंडर ये अच्छा वर्ड है बाल को, स्क्वैंडर हमने बहुत बार, मतलब आपने सही सही से सुना नहीं होगा, लेकिन अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट उसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, इसका मतलब ही वही होता है, एक्स्ट्रा इन द सेंस खर्चीला, खर्चीला। स्कीम मतलब जो पैसों को बचा कर रखता है, सोकल कंजूस, हाँ इसका मतलब भी कंजूस, सेविंग, तो आपको पता है सेविंग बचत होती है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल, परंपरागत, पता है आप लोगों को,
ट्रस्टलेस इन द सेंस भैया जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उसी के अपोजिट फेथफुल जो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट विजनरी, जिसके विजन अच्छा हो, लक्ष्यवादी, उसी का अपोजिट पैगमिस्ट इन द सेंस जो आशावादी नहीं होते, जो रियलिस्टिक जिंदगी जीते हैं, ठीक है, जो आशावादी नहीं होते, प्रैक्टिकल जो बंदे होते हैं, प्रैक्टिकल जीने वाले लोग। नेक्स्ट, अब देखो ये आईएसटी है तो रिलेटेड टू पर्सन हो गया और ये सिचुएशन हो गया। अभी हमने पढ़ा था एविडेंस इन द सेंस जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हो, अभी हमने सेम पढ़ा था प्रचुर बहुत ज्यादा एम्पल में भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है, उसी के अपोजिट स्कार्सिटी इन द सेंस कमी, किस चीज की कमी होना इसको स्कार्सिटी। नेक्स्ट एक्यूमुलेट इन द सेंस, अब ये बड़ा प्यारा वर्ड है एक्यूमुलेट, हमने बहुत बार इसको जो है यूज किया होगा, इवन जो है हमने ये बजट चैप्टर में या बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। एक्यूमुलेट इन द सेंस क्या होता है, जमा करना, इसी का अपोजिट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना, ठीक है जी, आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल मजा आ रहा है भैया। नेक्स्ट, अब देखो ये प्यारा वर्ड है दैट इज एक्विजिशन इन द सेंस, अब ये क्या बना, हाँ जी, अब ये और ये तीनों, कौन सा क्वेश्चन है जो सभी हो, ये आपका कमेंट वाला आंसर है। कमेंट वाला आंसर इन द सेंस आपको कमेंट करना है कि इसको क्या बोलते हैं, डोंट यूज गूगल, डोंट यूज गूगल। आप गूगल का इस्तेमाल करोगे तो वैसे बात भी आप तो कर तो सकते हो कुछ भी, लेकिन आप गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो अच्छा होगा, मुझे नहीं पता हो तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो, सर नहीं पता, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड है ये तो, एटलीस्ट आपने सुना ही होगा डिफेंट तो, ठीक है, इस साइड लगा लेना, सिंपल सिंपल होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भैया दैट इज एफ्लिक्शन इन द सेंस प्लेजर। अब एफ्लिक्शन इन द सेंस क्या होता है, जब कुछ आप जो है बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो, जिसमें कष्ट सहने में मजा आता है, और प्लेजर इन द सेंस आरामदायी हो, आराम सहने में मजा आता भैया हमें तो। नेक्स्ट खत्म, 50 हो गए बाल को, 49वां था, ओके, बस दैट्स इट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट देयर इज एफ्लिक्शन इन द सेंस जब बहुत ज्यादा कष्ट में हो आप, और उसी का अपोजिट प्लेजेंट इन द सेंस जब बहुत ज्यादा प्यार आ रहा हो, ठीक है, मजा आ रहा हो। आपको पता कितना हो गया, ये हो गया 50, हाँ जी 50 हो गए, पता भी नहीं चला। दैट्स इट बालको, यही था आपका आज का एंटोनिम्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात सुन लो, वो क्या है वो देख लीजिए, क्या है वो, ओहो, यही है भैया, मुझे तो बड़ा मजा आता है इसको बताते हुए। स्लैट क्लैट राइम देख रहे हो, स्लैट कुछ और है ना, तो स्लैट का आपका मॉक टेस्ट सीरीज आ चुकी है भैया, अगर आप अभी तक इनरोल नहीं हुए हो तो किसका इंतजार कर रहे हो, करो भैया करो, क्लैट तैयार करने है ना, कर देना क्रैक करना है, घर वालों को सपने पूरे करने हैं ना, कर देना। तो भैया अगर करने हैं तो इसे भी करो, बहुत जरूरी है भैया। आपको कोड कौन सा लगाना है, आपको कोड लगाना है RD100, और आपको यहाँ भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है जी। और हमारे बहुत ही बेहतरीन टीचर्स, लेजेंडरी टीचर्स है भैया, जाइए पढ़िए यार इनसे, जाइए पढ़िए, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं तो मानना ये है अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। सारे बैच बिल्कुल रेडी हैं, बढ़िया है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ पढ़ लो। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे एक चीज़ बोलनी थी आप लोगों से कि यार मैं बड़ा थोड़ा सा नाराज हूँ, नाराज इसलिए कि आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, यही प्यार, जाओ यार लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि भैया क्लासेस चल रही हैं यार, जाओ लाइक करो इस वीडियो को, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल एंड व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, और जी हाँ भारत माता, जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।